सहायक कैबिनेट की भी आज एक अहम बैठक होनी है और सीएम हाउस में ये बैठक होगी। सहायक कैबिनेट की पहली बार सीएम हाउस में बैठक हो रही है और कैबिनेट की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं राज्य सरकार के द्वारा। आपको बता दें कि डीए के संबंध में सरकार फैसला लेगी और जो रेडी टू ईट का संचालन करना है इसके संबंध में सरकार बड़ी जानकारी यहां से मिल रही है कि फैसला लिया जा सकता है और साथ ही खाद और बीज संबंधी विषयों को लेकर भी सरकार बड़ा निर्णय ले सकती है। और आज सीएम हाउस में होने वाले इस बैठक के बारे में और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। हमारे सहयोगी तनु वर्मा भी जुड़ गए हमारे साथ, बात करेंगे उनसे। तनु, क्या डिटेल्स मिल पा रही है आज सीएम हाउस में कैबिनेट की बैठक होनी है? जी बिल्कुल, देखिए सीएम साई की अध्यक्षता में आज सीएम हाउस में करीब 11 बजे से कैबिनेट की बैठक जो है वो होनी है और आज की इस बैठक के फिलहाल अभी एजेंडे तो सामने नहीं आए, लेकिन कयास लगाया जा रहे हैं कि आज की इस बैठक में किसानों और कर्मचारियों के हित में सरकार जो है बड़ा फैसला ले सकती है और आगे की रणनीति भी आज के इस कैबिनेट की बैठक में जो है तय की जा सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में फिलहाल जो है मानसून मेहरबान है और कई लगातार बारिश का जो दौर है वो जारी है और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में बाढ़ नियंत्रण और उसके साथ ही मानसून की तैयारियों को लेकर भी सरकार जो है वो घोषणा कर सकती है। इसके अलावा लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं जो है वो हो रही थी, ऐसे में आज के इस कैबिनेट बैठक में सरकार इस पर भी जो है फैसला ले सकती है। इसके अलावा खेती किसानी पे भी अहम फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही जिन इलाकों में बाढ़ जैसे हालात जो अभी बने हुए हैं, जिन इलाकों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं, इन इलाकों में और किसानों के लिए कुछ राहत की घोषणा भी सरकार आज के इस कैबिनेट बैठक में जो है वो कर सकती है। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होने की जो है वो संभावना है और इन्हीं मुद्दों पर कुछ अहम फैसले सरकार जो है ले सकती है, लेकिन ये कैबिनेट की बैठक के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर सरकार कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ अहम फैसले जो है वो लेती। जी स्वाभाविक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए तनु। और रायपुर से अहम खबर, जहां 9 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से और इसके बारे में जानकारी दी गई। मौसम विभाग के द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया सरगुजा, जशपुर, कोरिया, बलरामपुर और बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, बेमेतरा में अलर्ट जारी किया गया और मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। 9 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें सरगुजा, जशपुर, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, बेमेतरा, ये सभी वो जिले हैं जिसमें भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है और मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान इसका जाहिर किया गया है और साथ ही येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और तनु वर्मा हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे। तनु, मौसम विभाग कह रहा है कि येलो अलर्ट है और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई 9 जिलों के लिए। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में अभी 2 दिनों तक मानसून पे जो है वो ब्रेक लगा था, जिसके बाद कल अचानक दोपहर में फिर मौसम के मिजाज में जो है वो बदलाव देखने को मिला और कल दोपहर से ही राजधानी रायपुर समेत कई इलाकों में अच्छी बारिश जो है वो दर्ज की गई है। इसके साथ ही राजधानी रायपुर की अभी की हम बात करें तो अभी भी आज सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी का दौर जो है वो जारी है। वहीं मौसम विभाग ने रायपुर और बिलासपुर संभाग में भारी बारिश की संभावना भी जो है वो जताई है। इसके अलावा कई इलाकों में अच्छी बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। इसके साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि अगस्त में पिछले 10 साल से अच्छी बारिश का जो है ट्रेंड रहा है और इस साल भी इसी का अनुमान जो है मौसम विभाग के द्वारा जताया जा रहा है। मौसम विभाग का कहना यह भी है कि मानसून का जो सीजनल कोटा होता है 1050 मिलीमीटर से लेकर 1100 मिलीमीटर, तो ये सीजनल कोटा अगस्त के इस महीने में पूरे होने की संभावना जो है मौसम विभाग जता रहे हैं, क्योंकि इस बार 1 जून से लेकर अभी तक की हम बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ में 665 मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की जा चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगस्त के इसी महीने में जो है सीजनल कोटा मानसून का जो है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद भी अगर अच्छी बारिश होती है तो छत्तीसगढ़ में हालात जो है बिगड़ते हुए भी नजर आ सकते हैं। फिलहाल लगातार बारिश का दौर यहां पर जारी है, मौसम भी सुहाना बना हुआ है, मैक्सिमम टेम्परेचर में गिरावट जो है वो देखी गई थी, क्योंकि 2 दिन मानसून में ब्रेक लगा था तो उमस और बेचैनी से लोग थोड़े से परेशान हो गए थे, लेकिन फिर राहत जो है लोगों को अच्छी बारिश की वजह से मिल चुकी है। जी बिल्कुल, और ये उमस से राहत तो दे ही रहा है लेकिन एक परेशानी जरूर बढ़ सकती है और 2 दिन के ब्रेक के बाद वापस जब ये रिज्यूम होगा तो सड़कों पर एक बार फिर से पानी भरने की आशंका भी है और अब देखना होगा कि प्रशासनिक स्तर पर इसकी क्या तैयारियां हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए तनु।